Hey YouTube learners, hope you are doing well. Today we will be discussing about semiconductor electronics. Semiconductor electronics में हम लोग देखेंगे कि semiconductor device जो होते हैं वो यूज कैसे किए जाते हैं electronics में. हम लोग बात करेंगे diodes का, जैसे LED जो है light emitting diode होता है, तो ये एक diode है जो bulb के light emitting diode जो है bulb होता है, LED bulb, वो उसके अंदर में यूज किया जाता है. हम लोग ट्रांजिस्टर्स का बात करेंगे, ट्रांजिस्टर्स में कैसे सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है. हम लोग इसके अंदर में ट्रांसफार्मर का अंदर में देखेंगे, ट्रांसफार्मर्स के अंदर में जो रेक्टिफायर्स होते हैं उसके अंदर में सेमीकंडक्टर का यूज कैसे होता है, जो गेट्स होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं. हम लोग जंक्शन देखेंगे, पी एन जंक्शन या फिर पी टाइप्स एन टाइप सेमीकंडक्टर देखेंगे, अलग अलग टाइप्स का. हम लोग इसमें देखेंगे पी एन पी, जो पी एन पी भी होता है वो किस तरीके का होता है. मतलब हम लोग बहुत सारा इसमें बेसिकली बात करने वाले हैं कंडक्शन का, सेमीकंडक्शन का. तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का ये टॉपिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर. लेकिन आज का जो टॉपिक होगा वो सिर्फ इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर जाएगा, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करके बनता है. हम लोग देखेंगे इसमें कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज पहले कैसे किया जाता था, सेमीकंडक्टर आया कैसे, और जो एलिमेंट्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग मेटल्स में, सेमीकंडक्टर में और नॉन मेटल्स में. ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी देखना चाहते हो तो दिस एट दिस पॉइंट यू कैन गो एंड सर्च फॉर दैट. अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये कैसे बनता है. आप कुछ नेट से भी देख सकते हो, एनसीईआरटी का टॉपिक आप देख सकते हो, सेमीकंडक्टर कुछ इस तरीके का सॉलिड स्टेट मटेरियल होता है जो अपने अंदर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करने का परमिशन देता है. अपने अंदर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने को यहाँ पर हम लोग बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग वोल्टेज और बाय अप्लाइंग सम एनर्जी लाइक हीट और इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, कुछ इस तरीके का हम लोग यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करके इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं. इससे पहले क्या यूज होता था, इससे पहले यूज होता था वैक्यूम ट्यूब्स, डायोड, ट्रायोड, पेंटोड, टेट्रोड, इस तरीके का, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते थे. चलिए बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसका प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को मिला करके बनता है. सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे आप यहां पर देख सकते हो, यह नेचुरली ऑकरिंग सेमीकंडक्टर होता है जिसे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. इसके अंदर के लैटिस स्ट्रक्चर को ज़रा देखें तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा जो दोनों के कंडीशन में सेम ही होता है. दोनों इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स के एटम्स की बात करें तो वो नेबरिंग 4 एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है बाई कोवेलेंट बॉन्ड. वो शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके. जब भी इन कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है थ्रू हीट और एनी मीडियम, ये अपने जगह से एग्जिट कर जाते हैं, अपने जगह से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें एनर्जी मिल जाता है और वो मूव करने लगते हैं लैटिस के अंदर में इन फ्री इलेक्ट्रॉन, और जहाँ से वो मूव किए वहाँ होल क्रिएट हो जाता है. ये दोनों चार्ज कैरियर का काम करते हैं क्योंकि होल जहाँ जेनरेट होता है वहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन आकर के मिल जाते हैं, और जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स आए हुए होते हैं वहाँ फिर से होल जेनरेट हो जाता है. तो एक तरीके से हम देखें तो होल भी मूव करता है. तो ये दोनों मिल करके चार्ज कैरियर का काम करते हैं क्योंकि होल जो पॉजिटिव चार्ज का है वो भी मूव करता है, तो इसे हम फ्री पार्टिकल के रूप में कह सकते हैं. क्योंकि हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स है वो है दो, इलेक्ट्रॉन्स और होल, तो दोनों को ऐड करके हमें टोटल करंट मिलता है. आप इस एनर्जी बैंड डायग्राम को देख सकते हो जिसमें टेम्परेचर एक में
जीरो केल्विन है तथा दूसरे में ज़्यादा। पहले वाले को देखते हैं जिसमें टेम्परेचर जीरो केल्विन है, वो ईजी जो बैंड गैप है उसे जंप नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास में कम एनर्जी है, उसके पास में टेम्परेचर कम है, एनर्जी कम है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड नहीं जंप कर पा रहा है। वहीं जहां टेम्परेचर जीरो केल्विन से ज़्यादा है, आप देख सकते हो वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप किए हुए हैं। कैसे, चलिए इस एनिमेशन से देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है वो एनर्जी बैंड गैप को जंप कर जाते हैं, उनके पास में उतना एनर्जी होता है, उतना सामर्थ्य होता है कि वो अपनी जगह को छोड़ करके हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं और अपने जगह में होल्स छोड़ देते हैं जहां दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आकर के उन होल्स को फिल करते हैं और वो एक चार्ज कैरियर बनता है। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सी हियर। ओके, इंट्रोडक्शन, लेट अस मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिवाइसेस इन विच अ कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितने सारे होते हैं उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स वो सारे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ें, इसके मीनिंग्स को धीरे धीरे समझेंगे हम। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर इन 1948, सच डिवाइसेस वर मोस्टली वैक्यूम ट्यूब्स, ऑल्सो कॉल्ड वेल्व लाइक द वैक्यूम डायोड विच हैव टू इलेक्ट्रोड्स विच एनोड ऑफन कॉल्ड एज प्लेट एंड कैथोड, ट्रायोड विच हैव थ्री इलेक्ट्रोड्स कैथोड प्लेट एंड ग्रिड, टेट्रोड एंड पेंटोड रिस्पेक्टिवली विथ फोर एंड फाइव इलेक्ट्रोड्स। कहता है कि ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन से पहले यहाँ क्या यूज होता था उसके पहले, वो कहता है कि एक वैक्यूम ट्यूब, कुछ इस तरीके के ट्यूब्स होते थे जो वैक्यूम होते थे, अंदर से खाली होते थे, उनका यूज किया जाता था जिसे हम लोग डायोड कहते थे। अगर उसके पास दो इलेक्ट्रोड्स हों हम लोग उसे ट्रायोड कहते थे, ट्रायोड अगर उसके पास में तीन इलेक्ट्रोड्स हों, उसी तरह से टेट्रोड पेंटोड चार और पाँच इलेक्ट्रोड्स वाले से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ए वैक्यूम ट्यूब द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाई अ हीटेड कैथोड एंड द कंट्रोल फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम इज ऑब्टेन्ड बाई वेरिंग द वोल्टेज बिटवीन इट्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। इसमें इसके जो इलेक्ट्रोड्स है उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम लोग वोल्टेज को वेरिंग करके, वोल्टेज को बढ़ा घटा करके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ वैक्यूम में ट्रैवल करते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा कहता है। पहले इसका यूज किया जाता था और कहता है कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जाते थे हीटेड कैथोड से, मतलब यहाँ जो होता था इसे हम लोग कैथोड कहते थे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन को सप्लाई किया जाता था, ये हीटेड होता था जिससे उसे एनर्जी मिलता था इलेक्ट्रॉन को और वो मूव करता था वैक्यूम के अंदर में और दूसरी जगह में दूसरे जाकर के मिल जाता था। आगे कहता है वैक्यूम इज रिक्वायर्ड इन द इनर इलेक्ट्रोड स्पेस, अदरवाइज द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मे लूज देयर एनर्जी ऑन कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल इन देयर पाथ। ये जो होना चाहिए ये वैक्यूम ट्यूब, मतलब ट्यूब का नाम ही वैक्यूम ट्यूब है, अगर इस ट्यूब के अंदर में वैक्यूम नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते और कोई मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल अगर होता तो एयर मॉलिक्यूल से टकरा जाते और वो हम लोग जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। आगे कहता है इन दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली फ्रॉम द कैथोड टू एनोड आई ओनली इन वन डायरेक्शन, देयरफॉर सच डिवाइसेस आर जनरली रेफर्ड टू एज वेल्व्स। इनमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता था, कैथोड टू एनोड, हीटेड कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट करता और जाकर के एनोड में मिल जाता, इसीलिए इसे वेल्व्स कहा जाता था। ओके, नाउ दीज वैक्यूम ट्यूब्स डिवाइसेस आर बल्की, कंज्यूम हाई पावर, ऑपरेट जनरली एट हाई वोल्टेज एंड हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो
रिलायबिलिटी। ये होते थे बल्कि हेवी हाई वोल्टेज में जनरेट होते थे और ये इनका जो रिलायबिलिटी होता था वो बहुत कम होता था, बहुत कम इनका बहुत कम दिनों तक ये चलते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स गोज बैक टू 1930 व्हेन इट वाज रियलाइज्ड दैट सम सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स एंड देयर जंक्शन ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू देम। कहता है कि हमें तो चाहिए था इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने वाला कोई ऐसा डिवाइस, तो ये पाया गया कि कुछ ऐसे हमारे पास में मटेरियल्स है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास में जो अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ये 1930s में पाया गया। ठीक है, जब ये रियलाइज़ किया गया कि सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर जो सॉलिड होता है उसके अंदर में भी हमारे पास में ऐसे सॉलिड्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को भी कंट्रोल किया जा सकता है, इन इस लाइन का बस यही मतलब आता है। ठीक है, सिंपल एक्साइटेशन लाइक लाइट हीट और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज इन अ सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर उसी को कह रहा है कि वैसे सेमीकंडक्टर में स्मॉल एक्साइटेशन, मतलब यहाँ पर तो हाई वोल्टेज लगता था, उसमें क्या होता था स्मॉल एक्साइटेशन, मतलब स्मॉल एनर्जी के साथ में ही, स्मॉल एनर्जी जैसे लाइट वेव आ गया उस लाइट वेव से भी वो एग्जिट कर जाता था, या फिर हीट और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस इन अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर में मोबाइल चार्जेस जो हैं वो है वही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, उन दोनों का संख्या को बढ़ाया घटाया जा सकता था जस्ट विद स्मॉल एक्साइटेशन लाइक लाइट हीट और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट दैट द सप्लाई एंड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर विद इन द सॉलिड इटसेल्फ। वाइल इन द अर्लियर वैक्यूम ट्यूब्स द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वर ऑब्टेन फ्रॉम अ हीटेड कैथोड एंड दे वर मेड टू फ्लो इन एन इवैक्यूएटेड स्पेस और वैक्यूम। कहता है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, उन्हीं उन डिवाइस के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो होता है इधर से उधर वो ट्रैवल करते हैं, और इन जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं उसमें हीटेड कैथोड से वो निकलते हैं, जाकर के एनोड में मिलते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह चला जाता है, अपने एक जहाँ डिवाइस जो डिवाइस है उस डिवाइस को छोड़ करके वैक्यूम में जाता है, फिर बाद में फिर से डिवाइस में आता है। और ऐसे सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर में ही सारा काम होता है। आगे कहता है, नो एक्सटर्नल हीटिंग और लार्ज इवैक्यूएटेड स्पेस इज रिक्वायर्ड बाई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। दे आर स्मॉल इन साइज, कंज्यूम लो पावर, ऑपरेट एट लो वोल्टेज एंड हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी। कहता है कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं उन सेमीकंडक्टर डिवाइस को हमारे पास में सबसे कम वोल्टेज में भी उसे ऑपरेट किया जा सकता है, कोई एक्सटर्नल हीटिंग नहीं चाहिए, और ये साइज में स्मॉल होते हैं और इन ये हल्के होते हैं और लंबे दिनों तक चलते हैं। कहता है कि इवन द कैथोड रे ट्यूब CRT यूज इन टेलीविजन एंड कंप्यूटर मोनिटर्स विच वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आर बींग रिप्लेस्ड बाई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मोनिटर्स विथ सपोर्टिंग सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD जो सपोर्ट करता है यही सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वही इस सेमीकंडक्टर को, सेमीकंडक्टर के साथ में ही वर्क करता है, सेमीकंडक्टर के तरह में ही वर्क करता है, उसको लाया गया किसके जगह पे, CRT कैथोड रे ट्यूब के जगह में लाया गया। और ये CRT कहाँ यूज होता था, टेलीविजन मोनिटर्स ऐसे जगह में यूज होता था। आगे कहता है, मच बिफोर द फुल इम्प्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाज फॉर्मली अंडरस्टूड अ नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल ऑफ गैलेना लेड सल्फाइड विथ अ मेटल पॉइंट कनेक्टेड टू इट अटैच्ड टू इट वाज यूज्ड एज डिटेक्टर ऑफ रेडियो वेव्स। इससे भी पहले रेडियो वेव्स वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए लेड सल्फाइड को यूज किया जाता था, जो जिसे क्रिस्टल ऑफ गैलेना कहा जाता है, लेड सल्फाइड को यूज किया जाता था रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए, तो वहीं से आया धीरे धीरे सेमीकंडक्टर कैसे बना। अब ये बुक आगे क्या कहता है,
इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिस्कस सम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक जंक्शन डायोड्स, जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, थ्री इलेक्ट्रोड डिवाइस, अ फ्यू सर्किट इलस्ट्रेटिंग देयर एप्लीकेशन विल ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड। इस बुक में, इस सेशन में, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जंक्शन डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में, और कुछ सर्किट्स के बारे में देखेंगे जो ये सेमीकंडक्टर का यूज करके बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन एक खत्म हुआ, आगे चलते हैं आगे क्या कहता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। क्लासिफाई कर रहा है हमारे पास में जो पीरियोडिक टेबल के अंदर में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहा है, कुछ मेटल्स हैं, कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं उनमें, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बेसिस पर ये यहाँ पर क्लासिफाई करता है। कंडक्टिविटी भी आप समझ सकते हो या फिर रेजिस्टिविटी भी आप समझ सकते हो, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। कंडक्टिविटी जस्ट ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू 1/σ, द सॉलिड्स आर बोर्डली क्लासिफाइड एज। सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है, पहला मेटल्स है, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर्स। आप देख सकते हो यहाँ कि मेटल्स को हमारे पास में यहाँ क्लासिफाई किया गया है, उसके जो रेजिस्टिविटी हैं उन रेजिस्टिविटी के तौर पर यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोगों को पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो हाईली कंडक्टिविटी होते हैं, मतलब हाईली कंडक्टेंस होते हैं, उनमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी बहुत कम होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि रेजिस्टिविटी जो है वो 10^-2 to 10^-8 ओम मीटर गया हुआ है। वहीं सेमीकंडक्टर में अगर रेजिस्टिविटी की आप बात करें तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी का यहाँ पर जो टर्म है वो दिया हुआ है 10^-5 to 10^6 ओम मीटर, मतलब ये दोनों के बीच में है, कभी कम भी होगा रेजिस्टिविटी, कभी ज़्यादा भी होगा रेजिस्टिविटी, उस तरीके से है। और इंसुलेटर में हमारे पास में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, इसीलिए वो इंसुलेटर कहलाता है, वो कंडक्शन नहीं कर पाता है। तो इंसुलेटर में क्या है, 10^11 to 10^19, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, द वैल्यूज ऑफ रो एंड सिग्मा गिवेन अबव, मीन्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। आप ऊपर में देख सकते हो कंडक्टिविटी जस्ट उसका ऑपोजिट है, ठीक है। गिवेन अबव आर इंडिकेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड कुड वेल गो आउटसाइड द रेंज एज वेल, इस रेंज के आगे पीछे भी जा सकता है, मतलब कि मेटल्स 10^-2 to 10^-8 ओम मीटर से आगे भी बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर का बात करो या फिर इंसुलेटर का भी बात करो। आगे चलते हैं, रिलेटिव वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर डिस्टिंग्विशिंग मेटल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम ईच अदर, देर आर सम अदर डिफरेंसेस विच विल बिकम क्लियर एज वी गो अलोंग विद दिस चैप्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस हमारे पास में सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है कि बस हम लोग देख लें कि कंडक्टिविटी इतना है, रेजिस्टिविटी इतना है, तो ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, बहुत सारे इसके वेज हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। आवर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर इज इन द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर विच कुड बी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकन एंड जर्मेनियम, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जिसमें बहुत सारे हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में बहुत सारे हैं, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसमें पहला है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल, और दूसरा कंपाउंड। तो एलिमेंटल में दिया हुआ है सिलिकन और जर्मेनियम, जो सिर्फ एक ही सिलिकन, मतलब एक ही टाइप के यहाँ पर एलिमेंट का यूज किया हुआ है, इसलिए इसे एलिमेंटल कहा गया है। और कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में बहुत सारे हैं, मतलब अलग अलग कैडमियम, सल्फाइट सबका यूज किया कि, मतलब अलग अलग तरीके का यूज करके, डोपिंग करके एक एलिमेंट के अंदर में दूसरे एलिमेंट को डाल करके यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, पार्टिकुलरली एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। द जनरल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हियर फॉर डिस्कसिंग द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बाय एंड लार्ज अप्लाई टू द मोस्ट कंपाउंड सेमीकंडक्टर एज वेल, कहता है कि हम लोग इस
बुक में, इस चैप्टर में हम लोग बस एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बारे में, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और कहता है कि विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर हम लोग नहीं जाने वाले हैं। तो जो इनऑर्गेनिक वाले की बात मैं अभी कर रहा था उसमें हम लोग को पढ़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, देखिए ये क्लासिफिकेशन हो रहा है, जैसे हमने पहले देखा हमने कि ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा एंड रो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के तौर पर हम लोग क्लासिफाई किए एलिमेंट्स को, जो हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने क्लासिफाई किया। अब हमें क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के बेसिस पर। अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल, इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व्स, जो मैंने आपको कहा। बट व्हेन द एटम कम टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड दे आर क्लोज टू इच अदर, सो द आउटर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम वुड कम वेरी क्लोज और कुड इवन ओवरलैप, दिस वुड मेक द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इन अ सॉलिड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एन आइसोलेटेड एटम। हम देखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन साइड में रिवॉल्व करता है। तो मैंने आपको कहा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होगा, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल्स में ये मूव कर रहे हैं। ये हम लोग सिंगल एटम का बात कर रहे हैं, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग एनर्जी, क्योंकि सभी अलग अलग एनर्जी लेवल्स में हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं सेमी कंडक्टर टाइप के कुछ ऐसे डिवाइस जो सॉलिड हैं, मतलब सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं कि अलग अलग एटम्स जो होते हैं एकदम क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बिल्कुल क्लोज हो सकते हैं या फिर ओवरलैप भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, क्योंकि आपस में क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इन सभी का नेचर चेंज हो जाता है। वही यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल मोशन इन एन सॉलिड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इन आइसोलेटेड एटम। जो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये फिर से दूसरा वाला आ गया, तो इसका जो मोशन है, इसका जो मूवमेंट है, उसको ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थोड़ा सा उसे रिफ्लेक्ट करेगा, उसे थोड़ा सा यहाँ पर करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द क्रिस्टल इच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजिशन एंड नो टू इलेक्ट्रॉन सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्जेस। कहता है कि इनसाइड द क्रिस्टल इच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजिशन, एक क्रिस्टल के अंदर में सभी इलेक्ट्रॉन का अलग अलग अपना एक यूनिक पोजिशन होता है, और यूनिक का मतलब सबका अलग अलग होना ही होना है, सबका अलग अलग यूनिक पोजिशन होता है, ठीक है। और सभी आपस में जो घिरे हुए चार्जेस होते हैं वो सभी चार्जेस, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दो चार्जेस से यहाँ पर घिरा हुआ है, और भी हो सकते हैं, तो सभी आपस में घिरे हुए होते हैं चार्जेस से, और सभी अलग अलग चार्जेस से घिरे हुए होते हैं। सबका चार्ज मतलब सराउंडिंग चार्जेस अलग अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल में होते हैं, वही यहाँ पर कह रहा है। बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल, ठीक है, वही मैंने आपको कहा। दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल विथ कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन फ्रॉम वाट दे आर कॉल्ड एनर्जी बैंड, वही मैंने आपको कहा कि ये जो एनर्जी लेवल्स वाले हैं सभी के अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, सभी के अलग अलग एनर्जी सराउंडेड हैं, तो इनके साथ में किसी का कम एनर्जी है, किसी का ज़्यादा है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा, कम ज़्यादा, आप समझ सकते हो। ऐसे में एनर्जी बैंड बनता है, वही यहाँ पर कह रहा है। द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड द एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कहता है कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको छोड़ दीजिए, जो वैलेंस बॉन्ड जो बना रहे हैं, उन वैलेंस बॉन्ड वाले जैसे सबसे आउटर मोस्ट वाले जो होते हैं उनमें कितना वैलेंस है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से जो एनर्जी बनते हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी इमिट्स होते हैं, उनसे जो एनर्जी बैंड बनता है उसे हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन इस एटम से एग्जिट हो जाते हैं उसे हम लोग
वो जो कंडक्टिंग के लिए, कंडक्शन के लिए जो यूज़ होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो उनका जो बैंड बनता है वो बनता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, जिनका एनर्जी थोड़ा सा हाई होता है। ये आप एनर्जी बढ़ते हुए देख सकते हो यहाँ पर। तो सबसे कम मतलब ये हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स, ये जो है वैलेंस बैंड वाले के एनर्जी लेवल, और ये जो कंडक्शन बैंड वाले के एनर्जी लेवल्स, उसके बीच में थोड़ा सा गैप है। वो गैप क्या है वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। विथ नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड इन द वैलेंस बैंड। इफ द लोएस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड हैपेंस टू बी लोअर देन द हाइएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन ईजिली मूव इन टू द कंडक्शन बैंड। कहता है कि कंडक्शन बैंड जो है वो हमेशा हाई होगा, हमेशा उसका एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि वैलेंस बैंड से एग्जिट करके वो कंडक्शन बैंड में जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि अगर कंडक्शन बैंड का जो नीचे वाला पोर्शन है, कंडक्शन बैंड का जो नीचे वाले पोर्शन है, वो अगर वैलेंस बैंड के जो ऊपर वाले पोर्शन है उसके सामने आ जाता है, अगर वैलेंस बैंड का ऊपर वाला पोर्शन इसको क्रॉस कर देता है, मतलब कि कुछ इस तरीके से इन दोनों का स्ट्रक्चर हो जाता है या फिर दोनों सट जाते हैं, तो वैलेंस बैंड के जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर में, जो वैलेंस बैंड के जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में। कुछ इस तरीके की बात यहाँ पर कह रहा है। ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ। नाउ व्हाट डज इट सेज दैट नॉर्मली द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। कंडक्शन बैंड जो ऊपर वाला है वो एम्प्टी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बट व्हेन इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इनटू इट। जब ये ओवरलैप करता है कंडक्शन बैंड में, कुछ इस तरीके से ओवरलैप करता है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहता है। दिस इज द केस विथ मेटेलिक कंडक्टर्स। तो अभी यहाँ पर आपका आया सबसे पहला, जो हम लोग देख रहे थे, अलग अलग कर रहे थे हम लोग एलिमेंट्स को, कुछ को मेटल्स में कर रहे थे, कुछ को सेमीकंडक्टर में कर रहे थे, कुछ को नॉन मेटल्स में कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो आया वो मेटल्स के साथ में केस हुआ, या फिर आप कह सकते हो कंडक्टर्स के साथ में। ठीक है, ऐसा केस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, इसीलिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मतलब कंडक्शन का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे कंडक्टर्स कहते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ देयर इज सम गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, जो गैप है, अगर कुछ गैप हो, इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड ऑल रिमेन बाउंड एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हो जाते हैं और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। दिस मेक्स द मटेरियल एन इंसुलेटर। ये मटेरियल को इंसुलेटर बना देता है क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड मे गेन एक्सटर्नल एनर्जी टू क्रॉस द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। लेकिन इनके अंदर में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो कुछ एनर्जी गेन करें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर हाई हो गया या फिर थोड़ा सा हीट किया गया, तो कुछ टेम्परेचर ये गेन कर लें, कुछ एनर्जी गेन कर लें, और ये जंप कर जाते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, और वो कंडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। देन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन टू द कंडक्शन बैंड, एट द सेम टाइम दे विल क्रिएट वैकेंट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड वर अदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन मूव। जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने से ऊपर चला जाता है कंडक्शन बैंड में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, तो जब एनर्जी आप इन्हें मिल जाएगा और यहाँ से यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, तो ऐसे मूव करने पर यहाँ तो चार्ज एक
माइनस जो चार्ज था वो घट गया, तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है जो ओपोजिट हो जाता है इसके चार्ज के, मतलब एक माइनस चार्ज यहाँ से कम हो गया तो एक प्लस चार्ज यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो वैकेंसी होता है वो पॉजिटिव चार्ज में हो जाता है और बाकी यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिव चार्ज हैं। तो अब क्या होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करते हैं इन होल्स को, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये यहाँ पर मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस फिर से इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा होल, उसके बाद में ये यहाँ मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा होल। उसी तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं। Thus, the process creates the possibility of conduction due to electron in conduction band as well as due to vacancies in valence band. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है और कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी हैं, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये एक कंडक्टर बन जाता है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर रहे हैं, उसके वजह से यहाँ पर ये कंडक्टर बन जाता है। वैलेंस बैंड के अंदर में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही ना करंट फ्लो होता है, करंट बनता है, इसके ऑपोजिट साइड में करंट फ्लो होता है, तो इसीलिए ये कंडक्टर का भी काम करता है। ओके, लेट अस कंसीडर व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल्स कंटेनिंग एन एटम्स। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल का बात कर रहे हैं। फॉर सिलिकॉन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज द थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू 3, वाइल फॉर जर्मेनियम द फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 4। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा छोटा बन गया, जबकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है, जर्मेनियम थोड़ा बड़ा होता है। ओके, यहाँ पर भी चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हेंस द टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल इज 4n, चार ही है आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट जो है यहाँ पर जो चौथा ऑर्बिटल है वहाँ पर 1, 2, 3, 4 हैं, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट इज 8, 2s and 2p इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम आ सकता है 8, अभी है इसमें 4, तो ये और 4 चाहता है या फिर शेयर कर सकता है, ठीक है। आगे कहता है सो फॉर द 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन देर आर 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स, दीज 8n डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कैन ईदर फॉर्म अ कंटिन्यूअस बैंड और दे मे बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट बैंड्स डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द क्रिस्टल्स। एटम जो बने, इसका जो इस क्रिस्टल का जो एटम है, उस एटम के जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का, ठीक है ना, तो सॉलिड स्टेट के अंदर में जो एटम्स हैं वो एटम के शेप साइज, वो एटम किस तरीके से वहाँ पर हैं, उसी के आधार पर जो एनर्जी बैंड बनेगा 8n इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर 8n एनर्जी बैंड बनेगा, वो एनर्जी बैंड का जो यहाँ पर प्रॉपर्टी होगा वो इस एटम्स के जो एटम्स हैं उन एटम्स का अरेंजमेंट से पता किया जा सकता है। आप यहाँ पर बैंड थ्योरी भी देख सकते हैं, हम यहाँ पर अभी बैंड थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। द लोएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड इज सोन एज ईसी एंड हाइस्ट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड इज सोन एज ईवी। अबव ईसी एंड बिलो ईवी देर आर लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल एज सोन इन फिगर 14.1। दिस 14.1 यहाँ पर दिखा रहा है जो ईवी है, जो वैलेंस जो एनर्जी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, उसका यहाँ पर एनर्जी बैंड दिखा रहा है और ये कंडक्शन बैंड दिखा रहा है ऊपर वाला, और इसके बीच में जो गैप है उसे यहाँ पर दिखा रहा है, जो एनर्जी गैप है उस एनर्जी गैप को। अब आगे कहता है द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप।
यहाँ से यहाँ तक का जो बैंड गैप है उसे एनर्जी बैंड गैप कहा जाता है। इट मे बी लार्ज, स्मॉल और जीरो, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल दीज डिफरेंट सिचुएशन आर डिसिपेटेड इन फिगर 14.2 एंड डिस्कस्ड बिलो। यहाँ पर आप देखिए कुछ में जो एनर्जी बैंड गैप है वो बहुत ही कम है, कुछ में ओवरलैप कर गया हुआ है, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में 3 EV से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। आइए देखते हैं केस वन। दिस रिफर्स टू द सिचुएशन एज शोन इन फिगर 14.2। वन कैन हैव मेटल इधर व्हेन द कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड एंड द वैलेंस एंड द बैलेंस बैंड, नहीं वैलेंस बैंड होना चाहिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग है। एंड द वैलेंस बैंड इज पार्शली एम्प्टी, और व्हेन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप, व्हेन देयर इज ओवरलैप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड कैन इजिली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। दिस सिचुएशन मेक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन व्हेन द वैलेंस बैंड इज पार्शली एम्प्टी। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स लोअर लेवल कैन मूव टू द हायर लेवल मेकिंग कंडक्शन पॉसिबल देयर आर। ओके, मैं आपको इसको बता देता हूँ ये क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि जब एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, एनर्जी दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है वो अगर कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं यहाँ से यहाँ, या फिर ओवरलैपिंग अगर हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं। ये केस वन का बात है, ठीक है। केस टू में कहता है कि इन दिस केस एज शोन इन फिगर 14.2 का बी, 14.2 का जो बी है ये बी वाला, इस बी वाले में कह रहा है कि अ लार्ज बैंड गैप इजी एग्जिस्ट इजी इक्वल टू इजी इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देर आर नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड देयर फॉर नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज पॉसिबल। ये कहता है कि इस जो बैंड गैप है इसमें कोई सा भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी बैंड गैप है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब हायर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में जो है यह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर में। वी शैल टेक द मोस्ट कॉमन केस ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकन हुज लेटेस्ट स्ट्रक्चर इज शोन इन फिगर 14.3। दिस इज द लेटेस्ट स्ट्रक्चर फॉर सिलिकन और जर्मेनियम, और यहाँ पर कार्बन भी बोला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, क्या कहता है आप जरा कहिए थोड़ा। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, ईच एटम इज सराउंडेड बाई 4 nearest neighbors। वी नो दैट सिलिकन एंड जर्मेनियम हैव 4 valence electrons। इन दिस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एवरी सिलिकन और जर्मेनियम एटम्स टेंड्स टू शेयर वन ऑफ इट्स 4 valence electrons विथ ईच अदर, टू ऑफ इट्स 4 nearest neighbor atoms, एंड ऑल्सो टू टेक शेयर ऑफ 1 electron फ्रॉम ईच नेबर। कहता है कि जो सिलिकन और जर्मेनियम का जो भी है यहाँ पर अगर एटम है यहाँ पर हमारे पास में, तो वो क्या कहता है कि 4 valence electrons है उसके, सबसे आउटर मोस्ट लेयर में 4 valence electrons है, उसके वैलेंस 4 है। तो वो क्या करता है कि आस पड़ोस के जितने सारे सेम टाइप्स ऑफ एटम हैं उनके साथ में शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करता है, उसका इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करता है, इन ऑर्डर टू फिल द ऑक्टेट, ठीक है। तो दिस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर आर रिफर्ड टू एज फॉर्मिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो होता है अगर ऐसा शेयर होता है तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। द टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी एज्यूम टू सटल बैक एंड फोर्थ बिटवीन द एसोसिएटेड एटम होल्डिंग देम टूगेदर स्ट्रांगली। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ यहाँ आगे पीछे यहाँ पर हो सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं, इस तरीके से नहीं होते हैं, एक शेयर यहाँ ही होता है, एक यहाँ होता है, ये इधर 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 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
फिगर 14.4, ये जो 14.4 है, कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ पर सेम चीज़ वही मैंने आपको जो कहा वो यहाँ पर दिखाया गया है, यू कैन सी हियर। आगे कहता है स्कीमेटिकली सो द टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम स्ट्रक्चर शोज इन फिगर 14.3 विच ओवर इम्पेसिस द कोवेलेंट बॉन्ड। इट शोज एन आइडियलिस्टिक पिक्चर इन विच नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ऑल बॉन्ड्स आर इनएक्ट। जो मैंने आपको कहा कि जो ये 3D टाइप में दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। सच अ सिचुएशन अराइजेज एट लो टेम्परेचर, इज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर थर्मल एनर्जी बिकम अवेलेबल टू दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन में ब्रेक अवे बिकमिंग फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटिंग टू द कंडक्शन। इसमें क्या है, ये जो है एट रूम टेम्परेचर में है, अगर इसमें से थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है, तो इन इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर जाते हैं और वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर जाते हैं। अब ब्रेक करके वो लैटिस में इधर उधर घूम सकते हैं और इनका घूमना एक या दो होते हैं या फिर कुछ जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका घूमना थोड़ा सा कम ही होंगे, इनका घूमना क्या करेगा, कंडक्शन कराएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पर करंट फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, करंट फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा ही करेगा। सेमीकंडक्टर पोजेस अ यूनिक प्रॉपर्टी इन विच अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स होल्स आल्सो मूव। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते ही करते हैं, होल भी मूव करते हैं। सपोज देयर इज ए होल एट साइट वन एज शोन इन फिगर, द मूवमेंट ऑफ होल्स कैन बी विजुलाइज एज शोन इन फिगर 14.5। 14.5 में कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स के मूव हो रहे हैं उसे आप विजुलाइज कर सकते हो। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड एट साइट टू में जंप टू द वैकेंट साइट वन होल, दस आफ्टर सच अ जंप द होल इज एट साइट टू एंड द साइट वन हैज नाउ एन इलेक्ट्रॉन, देयर फोर apparently the hole has moved from site 1 to site 2. Note that the electron originally set free is not involved in this process of hole motion. The free electrons move completely independently as conduction electrons and gives rise to the electron current IE under an applied electric field. कहता है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे ही मैंने आपको कहा कि यहाँ से मूव कर जाते हैं तो यहाँ जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस होल में मूव कर जाते हैं, तो यहाँ पर एक होल फिर से जनरेट हो जाता है, फिर दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस होल में मूव कर जाते हैं तो यहाँ पर भी एक होल जनरेट हो जाता है, तो बाकी लैटिस जो है वो उसी तरह से फिर बनते जाता है और होल मूव करते हैं, मतलब होल यहाँ से यहाँ आया, तो होल को भी आप कह सकते हो होल इस तरीके इस साइड मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट जनरेट करते हैं, IE, इलेक्ट्रॉन करंट। ओके, रिमेंबर दैट द मोशन ऑफ होल इन ओनली अ कोवेलेंट वे डिस्क्राइबिंग द एक्चुअल मोशन ऑफ वाउंड इलेक्ट्रॉन। वेन एवर देयर इज एन एम्प्टी बॉन्ड एनीवेयर इन द क्रिस्टल under the action of electric field, these hole move toward negative potential, giving the hole current IH. The total current I is the sum of electron IE and hole current IH. तो hole भी move कर रहे हैं, electron भी move कर रहा है, तो total current जो होंगे वो electrons के move को भी करेंगे, क्योंकि जब charge move करता है तो बनता है हमारा electricity, बनता है हमारे पास में, अगर एक charge कुछ इस तरीके हैं, कुछ दूसरी charge इस side में है, तो बनता है electric field, तो चार्ज जब मूव करते हैं बनता है इलेक्ट्रिसिटी, तो आई ई इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, आई एच होल के मूव करने से, तो टोटल करंट हमारा जो बनेगा आई जो हो जाएगा आई ई प्लस आई एच। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, इट मे बी नोटेड दैट अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल, अ साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन अकर्स
विच द इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद द होल, इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो रहे हैं होल के साथ में, मैंने आपको कहा। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, द रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विथ होल। रिकॉम्बिनेशन होता है जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं होल के अंदर में, बस इतना ही कह रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, एन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर टी इक्वल्स टू जीरो केल्विन। जब इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह में बिहेव करता है जब टेम्परेचर होता है जीरो केल्विन, ठीक है। एस शोन इन फिगर 14.6 का जो आप फिगर है वो देख सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर एक में जीरो केल्विन है और एक में जीरो केल्विन से ज़्यादा है, तो जीरो केल्विन वाला जो है वो यहाँ पर इंसुलेटर का तरह में वर्क कर रहा है, और जो बी वाला जो है यहाँ जीरो केल्विन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनर्जी पा करके ऊपर मूव कर रहे हैं। देयरफॉर द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर विल बी एज शोन इन फिगर 14.6। हियर सम इलेक्ट्रॉन्स आर शोन इन कंडक्शन बैंड, दीज हैव कम फ्रॉम द वैलेंस बैंड लिविंग इक्वल नंबर ऑफ होल्स देयर। चलिए बात करते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 14.1, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, ओके। वाई इज सी, मतलब कार्बन इंसुलेटर वाई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स। कहता है कि कार्बन जो है, सिलिकॉन जो है और जर्मेनियम, इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है, क्योंकि सभी के आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4 कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में। तो ऐसा क्यों कहता है कि कार्बन जो है वो इंसुलेटर है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इसका रीज़न ये है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं वो दोनों, उन दोनों का जो शेप होता है, उन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं बीच में, उससे काफ़ी दूर में होते हैं, कि एक में तीसरा में है और एक में चौथा में है, और कार्बन में तो सबसे नज़दीक में है। तीसरा में चौथा में होने की वजह से इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को जंप कराना, एनर्जी भेज करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप कराना चौथे वाले में से इजी हो जाता है, तीसरे वाले में से इजी हो जाता है, लेकिन दूसरे वाले में से इजी नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, प्रोटॉन जो होता है वो जो होता है पॉजिटिव चार्ज का होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को खींचे हुए होता है, यहाँ भी खींचे हुए होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो इनर्जी जो लेवल्स होते हैं वो थोड़े से हाई हो जाते हैं, तो इनर्जी लेवल हाई होने के कारण इससे ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, जिसके वजह से इसे यहाँ से हटाना ईजी हो जाता है। जब इसे यहाँ पर से हम हटा देंगे तो ये बन जाता है कंडक्शन वाला इलेक्ट्रॉन, जब कंडक्शन वाला इलेक्ट्रॉन बनता है तो वो इंट्रांसिक कंडक्टर बन जाता है। सो इफ़ यू लव टू लर्न लाइक दिस देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यस इट्स फ्री, एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल टू योर ऑल फ्रेंड्स, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स, एंड अप्रिशिएट मी बाई लाइकिंग दिस वीडियो इफ़ यू हैव रियली एन्जॉयड इट। थैंक यू।